नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। कार्यकाल खत्म होने से पहले आई विकास कार्य की याद। गंज वासौदा कुछ ही महीनों में नगर पालिका अध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। नवंबर और दिसंबर के महीने में नगर पालिका के चुनाव होना है। उससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने बुधवार को करीब 4 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का थोक में भूमि पूजन वासौदा विधायक जी ने जैन की मौजूदगी में किया। जबकि वार्ड नंबर 12 की पार्षद का कहना है कि 2 साल पहले निर्माण कार्यों के उद्घाटन किए थे, कुछ कार्य पूरे हो गए हैं और कुछ का निर्माण कर अभी तक अधूरा पड़ा है। जब पुराने ही काम पूरे नहीं हुए तो 2 महीने में 4 करोड़ से होने वाले निर्माण कार्य कैसे पूरे होंगे। एलएन चौबे की यह रिपोर्ट। संतुष्ट का असंतुष्ट है, मगर काम नहीं हो रहा तो क्या संतुष्ट है। मेरे साथ ये समस्या है कि 1.5 साल करीब, कम से कम 1.5 साल से मेरे वार्ड में 2-3 काम है छोटे छोटे, उन्हें भी अभी तक नहीं हुए और नए काम चालू कर देते हैं। अध्यक्ष जी से भी कह चुके कई बार, शिवम साहब से भी कह चुके, मैं आश्वासन देते रहते हैं कि बस अब होएगा, अब होएगा। भाई आज नगर में 4.5 करोड़ की लागत से भूमि पूजन के जो कार्यक्रम का रखा गया था, उसके अंतर्गत कुछ काम हमने प्राथमिकता को लेकर पहले कर चुके हैं। और जो आज जिनका भूमि पूजन हुआ है, जगदीश गुप्ता जी कबाड़ी वालों के यहाँ से लेके गीता टॉकीज तक और नेहरू चौक से नंदन जी के घर के सामने स्कूल तक बनना है, और उसके साथ में अंबेडकर चौक, अंबेडकर द्वार से लेके गीता टॉकीज तक 1 रोड और बनना है। झमाझम बारिश के बीच रथ पर निकले भगवान जगदीश स्वामी। गंज वासौदा अषाढ़ की दूज पर प्रतिवर्ष भगवान जगदीश स्वामी की रथ यात्रा का आयोजन शहर में 3 स्थानों से किया जाता है। वहीं ग्यारसपुर तहसील के ग्राम मनोरा से भी विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और दूर दराज से लोग भगवान जगदीश स्वामी की एक झलक पाने के लिए मानव धाम पहुँचते हैं। शहर में भी नौलखी मंदिर, वेदर खेड़ी, पंचमुखी हनुमान मंदिर से 3 अलग-अलग स्थानों से रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। कई लोगों ने रथ को खींचा और धर्म का लाभ कमाया। शहर में कई जगह प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एलएन चौबे की रिपोर्ट। छात्र को सांप ने काटा, इलाज के लिए ले जाते समय हुई मौत। गुजरात के पावी जैतपुर तहसील के रायपुर गांव में वासुदेव आश्रम शाला में पढ़ रहे कक्षा 2 के छात्र राठवा करण भाई जेठा भाई को सांप ने काटा, जिसे 108 एम्बुलेंस वान में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। यह आश्रम शाला जंगल में जर्जर ईंट स्थिति में स्थित है। अक्सर यहां पर जंगली जानवर और खौफनाक जानवरों का डर रहता है। आश्रम शाला के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और छात्रा को पोस्टमार्टम के लिए जबू गाँव रेफर कर अस्पताल भेजा। गुजरात से गौतम व्यास की रिपोर्ट। रात्रि आश्रम शाला में श्री वासुदेव आश्रम शाला में कई अण बनाव बनी गयो हतो। छोकराओ जमवा बैठा था, जमीने डिश मुकवा आयो घोड़ा पर छोकरो, अने एमा डिश मुकता में अचानक कई साप जेवु कई डंक मारू, एमा छोकराने कई भान रह्यु नहीं, एटले अमे जाण थता तात्कालिक एने दवाखाने अर्थे लई गया था। तो छोकरो अहींया ज मृत्यु पाम्यो के रस्ता में हॉस्पिटल में? छोकरानुं नाम राठवा करमसिंह भाई जैतरा भाई। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।